नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले एक हफ्ते से हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में 14 फीट से अधिक बर्फ जम गई है तो बद्रीनाथ धाम में लगभग 5 और हेमकुंड साहिब में 6 फीट तक बर्फ जम गई है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र भी बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी के कारण रुद्रप्रयाग जनपद के गोंडार, तोशी, त्रियुगी नारायण, चिलौंड, चौमासी सहित 30 से अधिक गांवों के लोगों के खेतीबाड़ी, पशुपालन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो चुके हैं। वहीं चमोली में भी लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में काफी बर्फ जम गई है, जबकि बर्फबारी से जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ हाईवे, हनुमान चट्टी से आगे और गोपेश्वर चोपता उखीमठ हाईवे जगह जगह बंद हो गए हैं। कुमाऊं में भी कई इलाकों में रात से बारिश और बर्फबारी हो रही है। नैनीताल के ऊंचाई वाले हिमालय व्यू और कीलबरी क्षेत्र में सुबह बर्फबारी के बाद शीतलहर चल रही है। बागेश्वर जिले में कपकोट, ग्वालदम व पिनात की पहाड़ियों समेत आसपास के गांवों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में रात से ही बर्फबारी चालू है। इससे थल मुनस्यारी, दारमा और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गए हैं। कालामुनी, बिटलीधार, बिलाती में 2 से 3 फीट तक हिमपात हो चुका है। मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। रानीखेत के चौबटिया, शीतलाखेत व शाही देवी की चोटियों पर सुबह सुबह बर्फबारी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है और आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जनवरी को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है। 25 जनवरी को भी पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।